सर आप दिल्ली से चलकर यहाँ आए सिद्धि विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के उद्घाटन समारोह में, और आपने कल सिद्धि विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का इनॉग्रेशन अपने कर कमलों से किया। क्या आपको लगता है कि ये संस्थान बिहार में अच्छे ढंग से कार्य कर पाएगी, और कैसे करेगी, इसमें क्या आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, इसके बारे में आप बताएं। ये संगठन सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में काम करेगा, और भारत के अलावा बाहर के जो कंट्री हैं उनके अंदर भी काम करेगा। ऐसी इन लोगों की सोच है, मैंने इनकी इच्छा शक्ति देखी है। मैडम अमृता पांडे, डॉक्टर एस बी पांडे और अनुष्का भीम और इनके जो और सारे स्टाफ के लोग हैं, इतने अच्छे लोग, इतने मजबूत, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति, जिन्होंने कल का ये कार्यक्रम किया है, आज का जो कार्यक्रम किया है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। भारत सरकार की बात, भारत सरकार भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाले उन सब हर व्यक्तियों का साथ देगा जो देश हित में काम करेगा। नेचुरोपैथी, योगा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, होलिस्टिक साइंस, हर्बल गार्डन, सिद्धा चिकित्सा, ये आयुष मंत्रालय ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको बढ़ाने का कार्य किया है। अभी मेरे पास सदस्यता का दायित्व है आयुष मंत्रालय भारत सरकार का, इसलिए हम लोग सिर्फ, आज मैं यहाँ आया हूँ ये नहीं मैं कह सकता कि इनके पक्ष में हूँ, इस संगठन के मैं पक्ष में हूँ, क्योंकि संगठन जिंदा रहेगा जितने भी ये लोग हैं, क्योंकि व्यक्ति का धरती के ऊपर आना और जाना लगा रहेगा। लेकिन अमृता जी ने एक ऐसा ये पौधा, एक ये बीज बोया है भारत की पवित्र भूमि के अंदर कि संगठन आज भी जिंदा है और इनके जाने के बाद भी जिंदा रहेगा। इन्हीं आशीर्वचनों के साथ जो भी सरकार रहे भारत के अंदर, वो आयुष के तहत जितने भी लोग कार्य करने वाले हैं उन सबका साथ दे, इस तरह का निवेदन, इस तरह की आकांक्षा मैं आगे आने वाली सरकारों से भी करूंगा, वर्तमान सरकार से भी करूंगा, अपने मंत्रालय से भी करूंगा। कि एलोपैथी की मैं बुराई नहीं करता, एलोपैथी बहुत अच्छी पैथी है, इनकी भी आवश्यकता है, इस मेरे बयान को अन्यत्र नहीं मानना चाहिए, लेकिन भारत का संविधान, भारत की परिपाटी, भारत की गरिमा, भारत की फाउंडेशन, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर अगर है तो पुरातत्व प्राचीन है, उसी को जिंदा करेगी सिद्धि विनायक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और इनके सभी ये लोग। पुनः इन सभी लोगों को, एस बी पांडे जी को, अमृता जी को, अनुष्का जी को, भीम जी को, उनको बधाई देता हूँ, इतना अच्छा प्रोग्राम किया है इन्होंने, और बहुत बहुत बधाई, और आपको बधाई। सर आपका परिचय? डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, सदस्य आयुष मंत्रालय भारत सरकार जी। धन्यवाद।